हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड। हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 91 मेडिसिनल पार्क में। क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? एक नया लेजर और लाइट शो है, तो उसको देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा लेजर और लाइट शो है। शाम को 7 बजे डेली सेक्टर 91 के मेडिसिनल पार्क में ये शो शुरू हो गया है। आई थिंक अराउंड 1 वीक हो गया है तब से स्टार्ट हुआ है, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, कहाँ देखो आगे। बिफोर वी गो टू द मेडिसिनल पार्क, हम लोग आए हैं एक बार फिर से यहाँ नर्सरी, और मैं एक दो प्लांट्स ले लेता हूँ, कल फिर इनको मैं सुबह मॉर्निंग में लगा दूंगा। ये वाला कह रही है, ये वाला? तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 91 और ये मेरे प्लांट्स रखे हैं, आप वो देख ही रहे होंगे पीछे, और जो हमने अभी खरीदे हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं मेडिसिनल पार्क, बट गाड़ी से उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं आप लोगों को दिखाता हूं इतनी भीड़ इस समय यहां पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्राउड है यहां पर इस समय और लाइन लगी हुई है, तो मुझे तो भाई बढ़िया नहीं लग रहा कि अंदर मैं जाऊं। कभी और चलते हैं, कभी और संडे है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा क्राउड है। ये बात ठीक है, आज मैं भूल गया, एक्चुअली आज संडे है तो बहुत ही ज्यादा क्राउड यहाँ पे है। गाइज आई एम एट द एडवेंट आईटी पार्क सेक्टर 142, और मैं शायद पहले भी यहाँ आया था, आप लोगों ने देखा होगा, बट नाउ इट हैज बीन कम्प्लीटली मेक ओवर। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये फाउंटेन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं था, और काफी इसका मेक ओवर हो गया है, और उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ मैकडी हुआ करता था, और उसके अलावा डोमिनोज वगैरह एक दो आउटलेट्स थे। अब यहाँ पे स्टारबक्स कैफ़े 24/7, द बियर कैफ़े भी खुलने वाला है ऊपर, ये दसपराश, और इसके अलावा चायोज, वाओ मोमोज, और अपना फेवरेट मैकडी तो पहले से यहाँ पे है ही। सो राइट नाउ वी आर सिटिंग एट द वाओ मोमोज, और शायद मेरे ख्याल से कोरोना के बाद पहली बार हम लोग बाहर निकले, और हमने सोचा जब बाहर तक आए हैं तो लेट्स हैव समथिंग एटलीस्ट। ऐसे खाली हाथ तो मैं घर नहीं जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो, ऐसे खाली हाथ तो मैं घर नहीं जाऊंगा, कुछ तो कुछ लेके ही जाऊंगा या कुछ ना कुछ खा के ही जाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ मोमोज वगैरह ही खा लिए जाए। तो गाइस दिस इज वाओ मोमो, और ये हैं पनीर मोमोज, तो अंशु ट्राई करके बताएगी कैसे हैं। गरम है। सो कैसा टेस्ट है? और ये है मो बर्गर विद अ कोल्ड ड्रिंक। अरे यार, जो सड़क पर मोमोज मिलते हैं ना, उनका मज़ा इन मोमोज में मुझे तो कभी नहीं आता। जो मोमोज बाहर आपको मिलते हैं, हाँ सॉरी स्टॉल पे, मतलब जैसे वो डोलमोम आंटी के मोमोज है लाजपत नगर में, या फिर एक आंटी मोमोज है हमारे यहाँ नोएडा सेक्टर 18 के पास, उनका जो मैच है ना, ये मोमोज उन मोमोज की डेलिकेसी को कभी मैच नहीं कर सकते, उस टेस्ट को ये मोमोज तो मैच ही नहीं कर सकते। अच्छे मोमोज तो पता है इम्परफेक्ट हो गए, मोमोज तो यार ऐसे मोमोज आप भाई मेरे हिसाब से मैंने तो कभी खाए नहीं। हाँ रसगुल्ला की तरह थे बिल्कुल, ऐसे मोमोज थे कि आप इम्परफेक्ट के जो मोमोज हैं जो हम खाए थे ये बढ़िया है भाई। सेकंड हाँ मतलब मुझे तो वो मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो वहाँ सेक्टर 18 में आंटी मोमोज पे मिलते हैं। आई नो कि इनका टेस्ट कुछ अलग है, वो थोड़ा क्वालिटी वाइज इवन ये लोग ज़्यादा बेटर होंगे, बट भाई वो टेस्ट तो वो टेस्ट है। यार वो मोमो बर्गर कितना स्पाइसी था भाई,
मैंने तो खाया ही नहीं है, मैं तो छोड़ दिया उसको, इसलिए आधा बीच में ही। तो एक्चुअली वो उसमें एक मील में एक बर्गर आया था जिसको मो बर्गर बोलते हैं, और इट वॉज काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, तो मैंने तो उसको बीच में ही छोड़ दिया। अंशु ने किसी तरह थोड़ा सा खाया और अंशु ने भी थोड़ा सा छोड़ दिया, और उसके बाद वो जो कोल्ड ड्रिंक थी वो फिर उस मिर्च को कम करने में ही काम आई। तो और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं यहाँ पे, और अभी कुछ दिन में वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली डेवलपमेंट जो है थोड़ा स्लो हो गया, वरना दिस विल बी अ गुड हैंगिंग प्लेस। और अभी कुछ दिनों में जब यहाँ और रेस्टोरेंट्स और ईटरीज हो जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया ही प्लेस हो जाएगा, और हम लोग बाहर आ सकते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए। सो इट्स टाइम टू गो होम नाउ, और निकले तो थे हम लोग मेडिसिनल पार्क जाने के लिए, बट वहाँ पे भीड़ देख के हम लोग घबरा गए और आ गए यहाँ एडवेंट पार्क पे, और उसके बाद हम लोगों ने मोमोज खाए और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मिलेंगे आप लोगों को जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। आज इस ब्लॉग में करने आए थे कुछ और हो गया कुछ, बट फिर मिलेंगे आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम लोग को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आप लोग जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।